हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 एम्पियर पावर प्लग के कनेक्शन करेंगे, वो भी दो प्रकार से। ये हमारे पास 16 एम्पियर का पावर प्लग है और इसको 5-in-1 पावर प्लग बोलते हैं। इसके हम दो प्रकार से कनेक्शन करेंगे और इसमें एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक सॉकेट और एक स्विच लगा हुआ है। चलिए फिर इसके कनेक्शन करते दो प्रकार से। एक वायर ले लेते हैं, इस वायर को क्या करना है, ये जो फ्यूज है इसके आउटपुट का टर्मिनल ये है, इसमें कनेक्ट कर देंगे। एक तरीका तो अभी हम कर रहे हैं, एक प्रकार से एक इसके बाद अभी करेंगे। और ये जो दूसरा एंड है इस वायर का, स्विच के किसी भी एक टर्मिनल में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ इस टर्मिनल में कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्विच का दूसरा जो टर्मिनल है उसमें वायर कनेक्ट करेंगे। और इस वायर को सॉकेट के एक टर्मिनल में, दोनों में से एक में एल और एक में एन, लाइन और न्यूट्रल लाइन वाले में इसको कनेक्ट कर देते हैं। आप इसके बाद एक न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो वायर हम कनेक्ट करेंगे ब्लैक कलर की, इस ये वायर जो इंडिकेटर है उसके एक टर्मिनल में इधर कनेक्ट कर देंगे। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स इसके कनेक्शन करने। और जो इंडिकेटर है इसके अंदर फेज के लिए एक वायर वो हम कनेक्ट कर लेंगे। वायर का एक एंड हम इंडिकेटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये फेज वाली वायर कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा एंड हमको क्या करना है, ये जो स्विच है इसके आउटपुट में, ये इनपुट होगा ये आउटपुट है, ये वायर इसमें कनेक्ट कर देनी है। अब हम इसमें फेज और न्यूट्रल मेन जो पावर है उसके लिए वायर कनेक्ट करेंगे। ये फ्यूज का इनपुट टर्मिनल है, इसके अंदर वायर जो इसमें पावर प्लग में जो पावर आएगी वो वायर कनेक्ट कर लेते हैं। फेज के लिए ये रेड कलर की वायर और न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर की वायर यूज करेंगे। ये यहाँ न्यूट्रल वाले टर्मिनल में इधर कनेक्ट हो जाएगी।
उसके बाद ये अर्थिंग वाला जो टर्मिनल है इसमें हम अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर की वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक ग्रीन कलर की वायर है, इसको अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये अर्थिंग टर्मिनल है जो उसमें कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड अर्थ का है। ये अर्थिंग के लिए वायर कनेक्ट कर दी, ये ग्राउंड अर्थ में जाके हम कनेक्ट कर देंगे जो ग्राउंड अर्थ वाली वायर आई है उसमें, और ये वाला फेज में और ये न्यूट्रल। चलिए फिर इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये एमसीबी के न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। और ये वाली वायर फेज में, अब हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वायर लूज थी, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई वायर लूज न रहे, प्रॉपर टाइट हो वायर, उसको जरूर खींच के देखिएगा। इसको थोड़ा ड्रेसिंग कर लेते हैं। ये फेज कनेक्ट कर दिया, और ये न्यूट्रल, और ये जो ग्रीन कलर की वायर है, ये जो सेंटर पॉइंट है जो उसके अंदर अर्थिंग दिया, ग्राउंड अर्थ है, ये न्यूट्रल और ये फेज है। चलिए फिर इसको अब, और ये इधर से इनपुट हो गई, और फ्यूज के बाद फिर फ्यूज से आउटपुट जाएगी स्विच को। स्विच से जैसे हम ऑन करेंगे ये पावर प्लग जो सॉकेट है उसके अंदर पावर चली जाएगी, और न्यूट्रल इधर से डायरेक्ट आ ही रहा है, और इसी के साथ न्यूट्रल दिया हुआ है ये इंडिकेटर के लिए। और जैसे ही हम ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, साथ में इंडिकेटर ऑन होगा। चलिए फिर देख लेते हैं इसको। ये देखिए अब इसमें इंडिकेटर जल रहा है, पावर आ रही है, फ्यूज हमारा सही काम कर रहा है। अगर फ्यूज को हम निकाल देते हैं तो ये देखिए बंद हो गया, फ्यूज के थ्रू काम कर रहे हैं, लगाते पावर आ गई। अब ये जो तरीका हमने ये स्विच के साथ इसका इंडिकेटर का कनेक्शन किया है, ये देखिए जब हम इसको ऑन करेंगे तो साथ में इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, इससे हमको पता लगेगा कि हमारा ये जो पावर प्लग है ये ऑन है, यानी कि सॉकेट में पावर आ रही है। इसको ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। एक तरीका ये है, जैसे हम किसी चीज़ को इसमें जो सॉकेट है इसमें कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे, इसको इंडिकेटर को देखेंगे कि इससे पता लगेगा कि हमने इसको स्विच को ऑन कर रखा है ये, और ऑफ करेंगे इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। दूर से देखने से पता लग जाएगा इंडिकेटर ऑफ है, यानी कि स्विच ऑफ है। और दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें हमको क्या करना है, जो ये वाली वायर है इंडिकेटर की, इसको निकाल लेना है यहाँ से, इस वायर को यहाँ से निकाल लेना, और इसको यहाँ से प्रॉपर टाइट कर लेना है यहाँ। और इस वायर को क्या हमको, ये जो फ्यूज है, फ्यूज के आउटपुट जो टर्मिनल में है, इस टर्मिनल में हमको इसको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ लगा देते हैं इस वायर का एक एंड, इस ये जो हमने कनेक्शन जो चेंज किया है, इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी पावर ऑन करेंगे एमसीबी के थ्रू, या हमारी पावर गोल होती है वो ऑन होती है, पावर आती है, पावर आने के बाद तुरंत ये ऑन ही रहेगा, हमेशा ऑफ नहीं होगा, प्रॉपर ऑन रहेगा ये, जब तक पावर रहेगी ऑन रहेगा। चलिए फिर इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए इसका स्विच से अब कोई लेना देना नहीं है, स्विच ऑन करो या ऑफ करो, इसमें पावर आएगी, हमारे जो ये
सॉकेट लगा रखा है इसमें पावर ऑन ऑफ होती रहेगी, लेकिन यह इंडिकेटर प्रॉपर जलता रहेगा। एक तरीका ये है, वो आप देख सकते हो कि हमको कनेक्शन कैसे करने हैं। इसके दो तरीके कनेक्शन करने के, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।